हर कलाकार ला पूरा कहानी मालूम रही से, हर कलाकार ला हम स्क्रिप्ट भी देता कि भाई ये आप मन के 15 सीन है तो ये 15 सीन की स्क्रिप्ट है ला पढ़ लो, तो वहाँ पूरा स्क्रीन प्ले लिखा रहे थे, डायलॉग लिखा रहे थे, सब कुछ। तो हर कलाकार ला हर चीज के बारे में पता रही से। सबसे पहला जो कॉन्ट्रोवर्सी में होना चालू हुई से, वो कैसे हुई इसकी, कुछ जो कलाकार मन काम करके गिन ओकर बाद फिर इंडस्ट्री के ही कुछ जो रही से दूसरा प्रोड्यूसर मन है, डायरेक्टर मन है, वो मनो कलाकार मन ला इसे भड़काल धरे, अरे तुम लोगों ने कैसे पिक्चर में काम कर लिया, अरे वो तो एडल्ट फिल्म बन रही है। ऐसे कलाकार मन के नाम अगर याद बताते हो कौन कौन उन्हें कास्ट हो, नहीं कास्टिंग के बाद ये विषय से थोड़ा अलग है कि मतलब जरूरी नहीं है जो कलाकार कास्टिंग के नाम ले हुआ था वो ही बन के वजह से। अच्छा, बात अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं कलाकार के नाम बता देता, जैसे रजनी झांझी जी है जी। वो एमा काम कर रही है, और एक तरीके से बोलो तो वह एक पिक्चर में हीरो रही से, काबर की जो हीरोइन रहते उनका विवाह उनके साथ होते। एकर अलावा तुषार करके एक एक्टर है, काम कर रही से, और हीरोइन में मुंबई के काव्या सिंह वो काम कर रही से, साथ में उपासना वैष्णव है, और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के जो नॉन फेस है जो हर छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करते हैं, वो सारे कलाकार मन ये फिल्म में काम कर रही है। काम करने को कोई दिक्कत नहीं रही से, लेकिन काम करे बाद दो चार कलाकार मन लग जरूर इंडस्ट्री के कुछ आदमी भड़काए कोशिश करी कि भाई तुम कैसे पिक्चर में काम कर दे हो, ओमन का कर ही कि चूंकि गुरमीत भैया कृष्णा सिनेमा चला रही है, कृष्णा सिनेमा में एक दौर रही है जहाँ 15 से 20 साल वहाँ ए सर्टिफिकेट की फिल्म बहुत चले है। अच्छा, तो आदमी मन के दिमाग में ये बेरी से कि वो बनावत है, तो वह का कर दी कि आधा कलाकार मतलब दिखाई था, आधा में कुछ सीन डाल दी। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से भी वो मतलब कलाकार मतलब भड़काएगी। फिर कलाकार मन के फोन आवे कि भैया ऐसे ऐसे थोड़ी हो जाएगी, मोला भी फोन करे कि भैया आप मन गलो रहे हो, तेकर से हम फिल्म में करत रहे हैं, तो ये गलत थोड़ी हो जाए हमारे मन का। मैं कहूँ भाई तुमन जो स्क्रिप्ट पढ़े हो, जो पिक्चराइजेशन हो है, जो शॉर्ट तुमन दे हो, तुम्हारा खुद पता है कि तुमन कौन से हद तक जाकर के तुमन पिक्चराइजेशन करे हो, तो उतना ही जो चीज पिक्चराइज हो है वही वो फिल्म में आई। और सेंसर ये तब की बात बता दो जब सेंसर नहीं हो रही है। मैं कहूँ सेंसर बोर्ड थोड़ी हर चीज एक्सेप्ट कर ली भाई, अगर हम दे भी देवो तो थोड़ी एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल, जितना पास हो सकते तो सिनेमा में दिखाई जा सकते वही दिखी, और जो शॉर्ट आप दे वही दिखी। तो बहुत जन के कलाकार मन के ये जो समस्या रही तरह में हल करे हो, उगर मन के दिमाग से बात ना क्लियर करे, उगर बाद फिर फिल्म बन गए, सब हर आर्टिस्ट आके डबिंग करे, कोनो तकलीफ रहती तो डबिंग में नहीं आती, हाँ भाई हमें नहीं जाओ डबिंग करे, तो हर कलाकार आके अपन डबिंग करे, और डबिंग करे के बाद में ओकर बाद फिर जब रिलीज के बारी है इस, तो अब हम लला सेंसर सर्टिफिकेट कराए तो सेंसर में ए मिल गए। अब जब ए मिल गए तो मोर एकदम क्लियर रही से कि भाई इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, तो एला मतलब बिल्कुल गलत प्रचार नहीं करना है। काबर फिल्म पूरा पारिवारिक रही से, पर एक परिवार की कहानी, वो परिवार में एक बेटी की कहानी रही से, लेकिन मोला ये रही से कि एला अगर ए सर्टिफिकेट मिले तो मैं ऐसे एला प्रमोट करूं कि केवल वयस्कों के लिए है और वयस्क ही देखने आए। दूसरा क्या होता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में अगर हम मतलब वयस्क के लिए कहा था, वयस्क में तो महिला भी आती, तो मोर ये भी थॉट रही से कि कोई परिवार के साथ मत आए, तो मैं ये भी बिल्कुल ध्यान में रखे। यहाँ तक कि जब हमारे फिल्म रिलीज हो रही से तो कई जब परिवार के साथ आ जाए ना, मतलब बता के परिवार पिक्चर देखेंगे नहीं, मोर फैमिली तो नहीं देखे है, काबर हाँ मोर फैमिली जरूर पिक्चर ना देखे, घर के होम थिएटर में और पूरा परिवार फिल्म ना बैठ के देखे घर के होम थिएटर। कहाँ रिलीज पिक्चर है? पिक्चर है रायपुर में रिलीज हो रही है, प्रभात टॉकीज़ में। दिन क्या 4 सप्ताह चले रही से, जेमा आप मन खुद कंफर्म कर सकते हो, 3 सप्ताह ऐसे रही से कि जैसे होते कि अगर 1000 सीट है अपर में तो टिकट तो 1000 बिकते, लेकिन बहुत बार ऐसे होते कि बीच बीच के सीट खाली रह जाते, चलो बाद में टार्ट दिखा के आदमी खोजते उम्र बैठाते, तो कम से कम आधा से पौन घंटा लगा आदमी मतलब सही जगह पूरा सेटल करे, मतलब पब्लिक खड़ा हो के तक देखा, इतना भीड़ रही और इतना क्रेज रही। कितना बजट की पिक्चर की ये फिल्म के बजट लगभग ये रही वही मोर ख्याल से 27-28 लाख के आसपास के बजट। कलेक्शन तो मैं कहूँ हमन मुनाफा में रहे, और मुनाफा अगर हो रहती इसकी ये फिल्म अगर मतलब ये नुकसान वाला पिक्चर नहीं था, नहीं नुकसान वाला कोई पिक्चर नहीं रही से, हमन मुनाफा में रहे हैं, और ये फिल्म और ज्यादा अच्छा बिजनेस करती का हुई जब मेला में ये फिल्म लगी, क्योंकि सिनेमा हॉल पैक रहते और केवल समझ लो कि जैसे मैं कहूँ कि हम प्रचारे कर रहे हैं केवल वयस्क के लिए, तो कहीं कहीं जो है सिंगल पर्सन आ गया, दोस्त यार मन के साथ में आके लोगों ने पिक्चर ला देखी ने,
तो मेला में ऐसे नहीं हुए, मेला में कहीं कहीं आदमी सपरिवार जाते हैं, कहीं कहीं लेकर मतलब घरों लेकर के जाते, तो वहां पे पब्लिक रोक पाना थोड़ा मुश्किल रहते। तो हम मेला में एक ही दिन चलाया मैं श्री नारायण के मेला में, लेकिन वो दिन चलाए के बाद जब वहां से रिपोर्ट आई कि भाई नहीं पूरा परिवार आते देखे बर सब जन आते, तो मुझे ऐसे लगी कि नहीं यार जब परिवार आते मतलब मना गलत नहीं बने कि भाई आप मन ये सर्टिफिकेट वाला पिक्चर है बच्चा लेके मत जाओ या छोटे फैमिली लेके मत जाओ या परिवार के साथ मत जाओ, इसे करके मना करे पर थोड़ा नहीं बने। तो देखा सकते हम डिसीजन लेने की नहीं भी एला मेला भी नहीं चलाना है, तो इसे करके हम मेला ला अपन तरफ से खुद से एला जो है मेला में जैसे रुकते रहे। अब वो पिक्चर में जैसे आप मतलब फायदा छोड़ कहा तो आगे चल के कभी सोचोगे इसे कोई टॉपिक फिर बनाना है एडल्ट? नहीं जैसे मैं एडल्ट नहीं बोलो, मैं हमेशा फिल्म बनाता हूँ वही कहूँ कि विषय के ऊपर, जैसे मोर अगला फिल्म के विषय है वो है कुप्रथा है दहेज। अच्छा, दहेज लेना देना बहुत बड़े हम पापे मानते हैं, तो मैं मोर आप दहेज ले नहीं, मैं तो हम तो कोई दहेज नहीं ले हमारा पूरा सरकारी परिवार वाला खानदान है, नहीं मैं नहीं पता लेकिन आप यदि दहेज ले तो पिक्चर बना तो ऐसे भी होते ना। नहीं नहीं नहीं, तब ये जो है पे अगला जो मोर विषय है वो दहेज ले लेकर के है, तो अब वो सब्जेक्ट है, तो अब दहेज वाला सब्जेक्ट ला दिखाने तो कहा रही हो मैं कहानी भाई पूरा परिवार रही पूरा परिवार एक रही, अब मैं मां रोमांस भी दिखाऊं तो ऐसे रोमांस दिखाऊं जिला एकदम पारिवारिक वाला रही मनमोहनी। हाँ मोर ख्याल से 2 घंटा 5 मिनट या 2 घंटा 10 मिनट की ही फिल्म रही से, वो कितना जगह रिलीज हुई छत्तीसगढ़ में? पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में लगे रही से, हर सेंटर में लगे है। और एमा भी एक मैजिक वाला बात आप मतलब बताऊं कि कई ऐसे सेंटर रही से जहाँ ये फिल्म बहुत ताबड़तोड़ चली, यानी पहला दिन से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन लकी रंग सही है करे और बैनर जो रही से वो कल्याणी फिल्म इंटरनेशनल रही जो मोर बैनर है, और गुरमीत सिंह गुरदत्ता जी भी के जैसे सिनेमा के अनुभव है बहुत लंबा। गुरदत्ता जी आजकल कहाँ दिक्कत नहीं है? गुरदत्ता जी अभी इंडस्ट्री में तो नहीं है, जैसे जब से ओमन कृष्णा सिनेमा के जो संचालक के काम में छोड़ी से और बात वो भी अपन व्यवसाय वगैरह में व्यस्त है। आप ही के नाम आते आप तो बल्कि पार्टनर रहे हो तुम, मतलब आपकी फिल्म आपके नाम कवर आते मतलब ज्यादा पैसा लगाया होगा होकर वजह ये बोल रहा कि जैसे फिल्म में हम 3 पार्टनर हैं, गुड्डू त्रिपाठी जी है गुरमीत सिंह जी है और मैं हूँ, तो गुड्डू त्रिपाठी कहीं कहीं एक अभिनेता के रूप में ही इस्टेब्लिश है और मनमोहनी करेंगे ठीक पहले काफ़ी दिन के ट्रेनिंग वो मुंबई में ले चुके हैं, और उनके अलावा मैंने एक हिंदी फिल्म के भी निर्माण कर रही है जो कि मुंबई में हो रही से, और गुरमीत सिंह जी चूंकि सिनेमा लाइन से जुड़े हुए रिसे, तो कहीं कहीं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो मैं ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो एक अभिनेता निर्माता निर्देशक डिस्ट्रीब्यूटर ये सब रूप में चर्चित रहे हो, तो हो सकता है एक नाम से लोगन मन है मोर नाम में ज्यादा इस सिनेमा की तरफ जुड़त हो ही। पॉजिटिव लेते नेगेटिव लेते रही थे जब आपके कोई एडल्ट फिल्म में नाम आते, ठीक है आप जो बताया लॉजिक अलग बताया हो लेकिन है तो एडल्ट फिल्म में, तो आप एडल्ट फिल्म बनाना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये भी तो एक सिनेमा के रूप है ना। आप जापान लेकिन संस्कृति हमारी संस्कृति वो अलाउ नहीं करे ना, यहाँ तो ज्यादा दिखा दे पिक्चर नहीं चले। नहीं लेकिन हमारे तो चलीस ना भाई, बहुत ज्यादा दिखा दे आपको। नहीं मैं कहा था कि आप कोई भी विषय ना, जैसे बहुत सारे यहाँ पारिवारिक पिक्चर करूँ नहीं चले, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक पिक्चर बने, आप मन की पिक्चराइजेशन अगर अच्छा नहीं है आप कोई कहानी बहुत अच्छा ढंग से बोल नहीं पाते हो, तो चाहे आप पारिवारिक बनाओ ना आप मत थोड़ा सा भी आप उन्नीसा भी मत करो, थोड़ा भी वल्गैरिटी मत डालो, आप बहुत अच्छा पारिवारिक पिक्चर बनाओ लेकिन आप मन की पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं है, आप मन की कहानी अच्छा नहीं है, कहानीकार अच्छा नहीं है, कहानी ठीक से बोलत नहीं हो, तो वो तो फिल्म चले नहीं, तब तो आप पारिवारिक बना लो। क्षमा भैया स्वर्गीय क्षमा भैया एक पिक्चर आई थी मोहन डोके के बिहाव, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पुलिस बल लगाने पड़ती थी, अपना विरोध होती थी, आपकी पिक्चर विरोध पब्लिक का पर नहीं कर पाई थी या कोई दल का पर नहीं करी जबकि छत्तीसगढ़ी पिक्चर थी? कुछ दल मन विरोध करे रही है, ऐसा नहीं है कि नोटिस वोटिस धमकी कुछ आए नहीं, वैसे कुछ नहीं। अब ये जैसे आप मन कहो कि जो एक तरीके से कि ये भी मायने रखते कि कौन है फिल्म बनाए, अच्छा कौन हरे भाई अगर पीछे कौन खड़े हैं, फिल्म के पीछे कौन खड़े हैं, ये सब बात के भी बहुत फर्क पड़ते हैं। और जहां तक जैसे मैं आज यहाँ पे बैठ करके जो मैं करे हूँ काम में बहुत कॉन्फिडेंस।